एक एक मैया हमारे हरिद्वार की, कभी कभी रिश्तेदारी में होता है ना कि एक रिश्तेदार करोड़पति है कि एक रिश्तेदार बिल्कुल खाकपति, ऐसा होता है ना। अब परिवार के लोग जा रहे हैं तो एक ने दूसरी बहन को कहा, वो क्या बोलते हैं आपस में साड़ू साड़ू नहीं होते, तो एक जरूरी थोड़ी है तो ना बराबरी क्यों, एक करोड़पति एक खाकपति, यानी एक बहन गरीब को ब्याई और एक बहन अरबपति को ब्याई। हालांकि ब्याई तो अच्छी थी, वो तो कर्म का फल है कि कोई समय के साथ अमीर हो गया, कोई दूसरा समय के साथ गरीब हो गया, तो सब दिन एक हो तो ना एक समय। तो जो जो अमीर वाली बहन थी उसके पति ने कहा जी जी, मतलब अपनी बड़ी साली को, अरे हम लोग वृंदावन जाने चलोगी। अब संकोच करे कि भाई न जाए तो बुरा मानेंगे, और ये लोग तो बड़े लोग हैं। अरे बोले चिंता ना करो, हमारी गाड़ी जा रही है, एक रुपया खर्च नहीं होगा गाड़ी में चलना। बोले चलो, सगी बहन कह रही है, उसका पति कह रहा है चलती तो गए। अब वो तो करोड़पति है और मैं वृंदावन में बड़े बड़े महंगे महंगे होटल में ठहरी, इनको भी ठहराया, पैसा वही दे रहे थे। अब बिहारी जी के मंदिर गए तो उसका जो बहन का पति था छोटा वाला, उसने मंदिर में घुसते कहा सुन, सबसे महंगा फूल सबसे महंगा माला कितने का, महंगी बढ़िया, तो उसने कहा 1100 रुपए का। बोले बढ़िया बना के दे, तो बहुत बड़ी माला। और जो बड़ी बहन थी ना उसके पास केवल 5 रुपए थे। बोलो जी श्री कृष्ण। बोले 5 रुपए की क्या माला आई, तो उसने सोचा एक काम करूं 5 रुपए की मैं फूल लेके माला बना लेती। तो छोटे से गेंदे की खुले फूल ले लिए, बहुत पुरानी बात है, तो उस जमाने ये घटना 20 साल पुरानी है, उस समय 5 रुपए का मतलब आजकल के 50 या 100 रुपए। तो उससे थोड़े से फूल मिल गए, एक सुई धागा अपने साथ लेकर गई थी और वहीं बैठ के उसने बना लिए। अब इतना छोटी सी माला हाथ में लेके भीड़ में पीछे खड़ी, और जो करोड़पति थे उसके साड़ू वो तो आगे चले गए टोकरी में धर के, ये पंडे भी उनके साथ में, भाई वो तो पैसे दे रहे हैं ना, तो हाथ पकड़ के बिहारी जी के सामने ले गए। और ये बिचारी दुखियारी अब एक तो भीड़ में बिहारी जी के सामने, एक चबूतरा है सामने ऊंचा, देखना आप कभी जाओ तो बिल्कुल सामने, हम लोग मैं भी वहीं करता दर्शन, तो वहां से पीछे से निकल जाते, तो भीड़ से। अब क्या हुआ, वो चबूतरे में माला और माला ऐसे हाथ में ली, और वो छोटी सी, ये तो बहुत बड़ी है, हैं और छोटी कर लो, और छोटी माला बिल्कुल छोटी कर ली, और करके ऐसे करके वहीं से बिहारी जी पहन ले ऐसे। और उसी समय किसी ने हाथ मारा, ए बावली यहां क्या पहना रही है, यहां क्या पहना रही है, चल। बोले हाथ पकड़ के घसीट के आगे ले गए भीड़ में से चीरते हुए, और ले जाके माला को ऐसे करके यूं फेंका और बिहारी जी के ठीक चरण में गिरा। बोले भाई एक माला और दो प्रसादी दियो, तो बिहारी जी की बड़ी सी माला उसके गले में, और जिन्होंने 1100 की माला वो पुजारी जी को दिया, वो पुजारी जी ने वहीं डाल दिया था भीड़ में। तो 1100 की माला बिहारी जी तक पहुंची नहीं, लेकिन वो 5 रुपए की माला पहुंचा। ये है प्रेम, यदि प्रेम है। अच्छा, उसके बाद वो प्रसाद देख वो गायब हो गए, और ढूंढती रही कौन था कौन था कौन था, अरे था क्या बिहारी आया और चला गया। हाँ बिहारी जी थे और कौन था, तो ये मत सोचो कि हर बार बिहार ठाकुर केवल बंसी बजाते ही आएंगे ना, बहरूपी आए वो।